अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ असाइनमेंट नंबर 1 मैथ 202 की शेयर करने जा रहा हूं, जिसकी लास्ट डेट 7 तारीख है, 7 जून 2022। तो ये इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं और ये आपने सिर्फ सिर्फ वर्ड फॉर्मेट में ही देनी है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यूज ट्रुथ टेबल टू डिटरमाइन द आर्गुमेंट फॉर्म। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं P टू Q और P। ये इसके सामने P जो है T होगा, यानी ट्रू होगा, Q भी ट्रू होगा, P टू Q ये भी ट्रू होगा, और जो Q है वो फेल्स और P भी फेल्स होगा, और साथ ही फिर P ट्रू होगा, Q फेल्स होगा, P टू Q फिर ये फेल्स होगा, फिर ये Q जो है ये ट्रू होगा और P ये फेल्स होगा। अगला जो है P ये फेल्स होगा, Q फिर ट्रू होगा, फिर P टू Q ये फेल्स होगा, फिर Q फिर फेल्स होगा और P जो है ये ट्रू होगा, और लास्ट में जो है F फेल्स होगा, यानी P फेल्स होगा, Q फेल्स होगा, P टू Q ट्रू होगा और Q ट्रू होगा, यानी कि P टू Q ट्रू होगा, Q भी ट्रू होगा और P भी ट्रू होगा, यानी जो ये लास्ट में जो तीनों लाइन है ये ट्रू होगी। इस वजह से इसमें जो है ये हमने बताना है, और लास्ट में ये हमने लिखना है कि सेंस द कंक्लूजन पी इज़ ट्रू व्हेन द प्रीमिसेस पी टू क्यू एंड क्यू आर ट्रू, देयरफॉर इट इज़ अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, क्योंकि ये एक आर्ग्यूमेंट ठीक है, इस वजह से ये इस तरह है। आगे हमने बताना है क्वेश्चन नंबर 2, गिवन द फॉलोइंग यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, यू एंड और ये सब, यानी इसके डेटा वगैरह दिया हुआ है, यानी ये किसके बराबर है, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू पी, और एक्स कह रहा है लेस देन आर इक्वल टू 15। तो इसके लिए जो ये बता रहा है यूनिवर्सल सेट, सॉरी ए जो बता रहा है वो है 1, 3, 5, 7, 11 एंड 13 होगा। ठीक है, और जो अगला है बी कह रहा है एक्स बिलोंग टू ई, यानी कि इवन नंबर्स 0 लेस देन आर इक्वल टू एक्स और लेस देन आर इक्वल टू 15 होने चाहिए। तो ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 यानी इवन नंबर में यही आते हैं, और यूनिवर्सल सेट कह रहा है फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, तो ये 1 टू 15 होगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट ए और बी सेट हमने लिख लिया। अभी हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक तो हमने कंप्यूट बी माइनस ए करना और एक बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए करना, और साथ इनों के हमने वेन डायग्राम भी देनी है, बी माइनस ए और बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो ये आपके सामने है बी माइनस ए, पहले बी के रकम लिखेंगे यानी वैल्यूज लिखेंगे और फिर ए के लिखेंगे, फिर बी के जो, फिर ए के जो मेंबर होंगे बी में से वो हमने सिर्फ निकाल लेने होंगे। तो ये आप देख सकते हैं इनों में से कोई भी ए साधन नहीं है जो इसके साथ मिले, इस वजह से बी माइनस ए यानी बी की फिर वैल्यू आ जाएंगी, और उसकी वेन डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, ये बी बड़ा है इस वजह से उसको कलर किया गया है, और साथ ही क्योंकि उसमें से कोई भी नहीं निकल रहा इस वजह से वो एक है उसी में ही पड़े हुए हैं। बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है, तो ये पहले बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो हमने यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस कर लेना, यानी यूनिवर्सल सेट से बी माइनस कर लेना है। तो ये यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 15 तक है, और जो बी का था वो 2, 4, 8 यानी इवन नंबर थे वो हमने इसमें से माइनस कर लेने हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15 ये आएगा, तो ये हमने ये भी लिख लिए हैं। ठीक है, और अभी बी कॉम्प्लीमेंट, फिर साथ ही इसके साथ हमने इंटरसेक्शन ए कर लेना है, तो ये 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15 है, और इंटरसेक्शन हमने करना है ए के साथ, ये 1, 3, 5, 7, 11, 13 था, इसमें सिर्फ 9 नहीं है क्योंकि, और साथ ही हाँ सिर्फ इसमें 9 नहीं है क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए दोनों में एक जैसे जो है नंबर होने लाजमी है, तो इसी वजह से वहाँ पे वो नहीं है। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो आपके सामने पेश किया गया है। ठीक है, और जो लास्ट में एक कोई दूसरा यानी क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मेक अ मेंबरशिप टेबल फॉर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन्हों के हमने सारों के मुख्तलिफ बना लिए हैं, यूनिवर्सल सेट का एक सारे नंबर जुदा वगैरह कर लिए, और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन्हों के ये नंबर्स आपके सामने पड़े हुए,
आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।